सिंह और मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ हाउ टू कर्ल योर हेयर्स विद द यूज़ ऑफ स्ट्रेटनर। राइट, आप स्ट्रेटनर की हेल्प से कैसे अपने हेयर को कर्ल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी है। फर्स्ट, अपने हेयर को सेम डे वॉश करके कर्ल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज कर्ल करना है तो फिर आप कल अपने हेयर्स को वॉश कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने बालों को कर्ल करने से पहले हमेशा या फिर कोई भी हीटिंग टूल को यूज़ करने से पहले आपको अपने बालों में कोई भी सीरम यूज़ करना है, जो भी वो आपके चॉइस का। आप कौन सा सीरम यूज़ करना चाहते हैं, हीटिंग सीरम आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। इन द केस राइट नाउ जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इन द केस आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो मैक्सिमम लोगों के पास एलोवेरा जेल होता है। सो आप अपने बालों पे जस्ट इतने पोर्शंस पे आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। राइट, आप एलोवेरा जेल लगाने के बाद इनको कर्ल करेंगे तो ये ओके। सो अब इसे हम बालों पे लगाते हैं। पहले ओके गाइस, अब हम छोटा सा यहाँ से बालों का स्ट्रैंड लेंगे, ये देखिए इतना। अब हम अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हुए नीचे आते हुए हम इसे अपने अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड आपका फेस है उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करिए। एक और फिर टू और फोर, टू और फोर मोशन में इसे 10 सेकेंड। यस, नाउ कैन यू सी, थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे सो दैट इसका और अच्छा लाइक। अब सारे बालों में आप सेम कर सकते हैं। ये मैंने आपको आउटवर्ड साइड से दिखाया है, अब मैं आपको इनवर्ड साइड से दिखाती हूँ। राइट, कि आप इनवर्ड साइड से कैसे कर सकते हैं, आप इसे देख लीजिए। आप इसे आप पूरे बालों में सेम तरीके से ओके गाइस, सो हम इस साइड से भी अपने बालों का छोटा सा एक स्टैंड लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम अपने फेस के अंदर साइड से मोड़ना है, यानी हमारा जो स्ट्रेटनर है, जिस साइड हमारा फेस है, हमें उसे उसी साइड में रोटेट करना है। फिर वही सेम चीज़ टू एंड फ्रो मोशन में, एंड सी ये बिल्कुल रोलर का जो काम करता है ये वो करेगा, बिल्कुल रोलर टाइप के तरीके में ये पूरा बालों को अंदर की तरफ रोल करेगा। सो ये इनवर्ट कर्ल इसे बोला जाता है। अब मैं आपको पूरे बालों में सेम चीज़ करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड, एक साइड इनवर्ड और एक साइड आउटवर्ड कर्ल्स किए हैं। ये इनवर्ड साइड वाला कर्ल्स है और दूसरी साइड मेरा आउटवर्ड साइड वाला कर्ल्स है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू थम्स।